Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और एक बड़ी खबर इस वक्त की, निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में चार में से तीन दोषियों मुकेश, पवन और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमारे सहयोगी एहतिशाम खान इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एहतिशाम, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में आज के? सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है। तीन जजों की ये पीठ थी जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे थे, लेकिन ये जो जजमेंट है उसे जस्टिस अशोक भूषण ने लिखा है और उसमें उन्होंने टेक्निकल चीज़ जो है उसके ऊपर वो गए हैं ज़्यादा, और कहा है कि इस मामले में पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन तीनों स्टेज पर हो चुका है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो रिव्यू पिटीशन का जो मामला, पुनर्विचार याचिका जब जो उनके समक्ष था, उसमें उसकी सुनवाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है दो तीन चीज़ें, और वो सबसे अहम बात यह कि क्या पिछले किसी सुनवाई में किसी कोर्ट ने कोर्ट के तरफ से कोई गलती हुई हो, उस गलती को सुधारना है या सील लगाई है, और ये एक कोर्ट नहीं, बार बार लगातार सुप्रीम कोर्ट तक के, और ये भी न सिर्फ उन्हें गुनहगार ठहराया गया है बल्कि उन्हें जो सजाए मौत दी गई है वो योग्य है, इस पर भी मोहरें लग चुकी है नीचे। तो ये तो वैसे मेरिट्स पर भी बड़ा मुश्किल केस था, तो दोनों तरफ से पिटिशनर के खिलाफ ये मामला था, इसलिए ये फैसला बिल्कुल सही आया है। मैं समझता हूँ आशा देवी जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है माता ने निर्भया की, उनको हम उनका अभिनंदन करेंगे, और साथ ही साथ ये विश्वास करेंगे कि आज का इस आदेश का कोई संदेश देश में जाए, और वो लोग जो इस तरह के गुनाह करते हैं बगैर बेखौफ, कानून का डर नहीं रखते, शायद उनके दिल में कहीं दोबारा ये ख्याल आए कि इस तरह से गुनाह करने की सज़ा मौत हो सकती है। मगर सिर्फ कानूनी तौर पर सख्त सज़ा देने से गुनाह कम नहीं होते, ये हमने अपने देश में देखा है कि निर्भया के बाद भी आज भी रोज़ाना हम अखबारों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में बलात्कार होता है, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, और पिछले ही हफ्ते सीनियर लॉयर माजिद मेमन भी कह रहे हैं कि ये एक उचित फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। एहतिशाम, लगातार ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा फैसला है जिससे संदेश भी जाएगा कि ऐसी हरकत करने पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी और सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, क्या और इसके आगे सुप्रीम कोर्ट आज अपने फैसले में कह रहा था? कि आज सिर्फ टेक्निकल चीज़ पे बहस फैसला आया है, रिव्यू पिटिशन था, ये हमें गौर करने की बात है कि ये मेन जजमेंट नहीं था, ये जजमेंट पहले सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है जिसमें उनको तीनों को फांसी की सजा दी जा चुकी थी। अब उन्होंने दोबारा उस फैसले को चुनौती दी थी और ये पुनर्विचार याचिका थी। कोर्ट ने आज कहा कि पुनर्विचार याचिका बहुत सीमित होती है, उसमें दो तीन चीज़ें प्रूफ करना होता है, पहला ये बताना होता है कि अदालत में कोई गलती हुई हो या फिर पार्क में चल रहे हैं। और ये तस्वीर जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, दरअसल फांसी की सजा के खिलाफ तीन दोषियों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि क्या पिछले फैसलों में किसी तरह की कोई चूक हुई है, अगर ऐसे पॉइंट्स आप सामने रखते हैं तो उस पर विचार होगा, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। और कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि पिछली लगातार सुनवाइयों में हर नजरिए से इस पूरे केस की सुनवाई की गई है, हर तर्क को सुना और समझा गया है, ऐसे में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है, तीनों दोषियों की पुनर्विचार याचिका खारिज हुई। कोई बात नहीं, आराम से। और निर्भया के परिजनों से भी उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हो रही है। एहतिशाम खान हमारे सहयोगी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। एहतिशाम, आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से क्या क्या बातें कही भी गई और कोर्ट ने क्या अपने फैसले में आगे कहा?
देखिए सुनवाई काफी पहले खत्म हो चुकी थी, आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट के अंदर अपना फैसला सुनाया। उसमें जस्टिस भूषण ने जो फैसला लिखा है उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि रिव्यू पिटीशन जो है पुनर्विचार याचिका उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमित दायरा है और उसी दायरे में इस पूरे मामले को परखा गया है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि क्या इस सुनवाई में निर्भया मामले की जो सुनवाई हुई है उसमें निचली अदालत, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की। जी शुक्रिया एहतिशाम।